यूनिवर्सिटी से तुम्हारा नाम कट गया है सिर्फ फीस ना जमा करवाने की वजह से। किन एक्टिविटी में फीस जाया कर दिया तुमने? फीस क्यों नहीं जमा करवाई? मैंने ऐसी तरबियत की थी तुम्हारी? बाबा आपने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की और ना ही मैं आपके एतमाद को कोई ठेस पहुंचाना चाहती थी। वो फीस दरअसल तुम अपने बाप से अब झूठ भी बोलोगी? मेरी मेहनत की कमाई की नैयाशा में जाया किया तुमने। मैंने तो तुम्हारी तरबियत ऐसे नहीं की थी। बाबा आपने झूठ बोलना नहीं सिखाया और ना ही मेरी तरबियत में कोई कमी है बाबा। रमशा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बेटी ने पैसे कहाँ खर्च किए। एक दिन मुझे घर से कॉल आई। हाँ क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को कैंसर है। अम्मी को कैंसर है? इलाज मुमकिन है, फौरी 50,000 का बंदोबस्त करें। 50,000? आप कोशिश करें ना। हम गरीब इतने पैसों का अचानक कहाँ से बंदोबस्त करेंगे? आप कोशिश करें कि कहीं से उधार ही मिल जाए। चलो मैं कोशिश करता हूँ। या अल्लाह तू ही हम गरीबों का आसरा है मौला, कोई बंदोबस्त कर मालिक। ये तो फीस के पैसे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इनकी मदद कर देती हूँ। माली अंकल जी। बेटा आप टेंशन ना लें, आपकी अम्मी को कुछ नहीं होगा। आप ये पैसे रखें और अपनी अम्मी का इलाज करवाएं, और मैं अपने बाकी दोस्तों से भी बात करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि हम आपकी मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया बेटा, किसी अच्छे वालदैन की औलाद लगती हो। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। आई एम सॉरी बेटा, मुझे अपनी बेटी पे फख्र है कि उसके दिल में आज भी इंसानियत का जज्बा मौजूद है। और तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत हो, कोई पैसों की ज़रूरत हो तो झिझकना नहीं, मुझसे मांग लेना। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, वेल डन। तो आज की कहानी से हमने ये सीखा कि जब भी आप किसी ज़रूरतमंद की मदद का फैसला लें तो उस फैसले से पहले एक बार अपने वालदैन से मशवरा ज़रूर करें। हो सकता है आपका मशवरा करने की वजह से आप उस ज़रूरतमंद की उससे बेहतर तरीके से मदद कर सकें। सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। इस यकीन के साथ शेयर कीजिए कि आपका एक शेयर किसी न किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा।